करके यहां की कारीगरी और हस्तशिल्प को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो पहले यहां पर तकनीक नहीं थी, आज कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बना करके संभल जनपद के अंदर भी बटन बनाने की परंपरागत व्यवस्था को नई तकनीक के साथ जोड़ करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से आज वह भी वैश्विक मंच पर चीन को प्रतिस्पर्धा दे रहा है। मुरादाबाद का ब्रास का आइटम हो या अमरोहा का ढोलक, यह एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। ये चीजें पहले भी थीं, लेकिन जिस निराशा और हताशा में थी, आज इस नए भारत में एक गरीब को मकान भी मिल रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। संभल जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे पूरी मजबूती के साथ बन रहा है और यहां पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होने जा रहा है। आने वाले समय में संभल से प्रयागराज की दूरी और 2025 में जब प्रयागराज कुंभ होगा, हमारा प्रयास होगा, उस समय डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि उस समय प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों के लोग प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज की दूरी को न्यूनतम करने की दिशा में यह एक नया प्रयास प्रारंभ हो रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे इसके लिए आपके लिए तैयार होने जा रही है। ये जो कुछ भी हो पा रहा है, चाहे वह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वह मुरादाबाद का बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला एयरपोर्ट का हो, चाहे वह हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान का हो, चाहे वह नौजवानों के रोजगार का हो और चाहे किसानों के आमदनी को कई गुना बढ़ा करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का हो, ये सभी कार्य ये नए भारत की एक नई पहचान बन रहे हैं और ये संभव होया हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सच्ची नेतृत्व के कारण। आज प्रधानमंत्री जी का आगमन इस भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि, जिन्हें भारत के शास्त्रों ने, चाहे वह महाभारत हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, या अन्य जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण शास्त्र हैं जिनका बात स्पष्ट करना कहना है कि कलयुग और सतयुग की संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा और इस धराधाम में पुनः सनातन धर्म की स्थापना का जो कार्य उस समय अधूरा रह गया है वह उनकी कृपा से संपन्न होगा। तो ये मान करके चलिए कि अयोध्या धाम में रामलला के विराजमान होने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की है, यह वहां से उसकी शुरुआत है और यह होकर के रहेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिला रखने के लिए स्वयं इस कल्कि धाम के इस आयोजन में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी श्रद्धालुजनों से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संभल जनपद की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं।